हे गेमर्स, क्या हाल चाल से भी होप करता हूँ सारे के सारे मजे में होंगे। और गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्री फायर अपडेट के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक फ्री फायर को अपडेट नहीं किया तो आप लोगों को फ्री फायर को कैसे अपडेट करना है, कहाँ से अपडेट करना है, सारा कुछ मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। और गाइस देखो, फाइनली मैंने अपना जो फ्री फायर वो अपडेट कर लिया है। और अपडेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर JNFF का इवेंट देखने को मिल जाएगा। बेसिकली BTS का इवेंट होने वाला है। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि BTS का सारा बर्नर्स वगैरह भी दिखाया गया है। और यहाँ पर BTS इवेंट का कैलेंडर भी आ चुका है हमारे गेम के अंदर, ठीक है। तो गाइस देखो, इस इवेंट के ऊपर तो मैं आप लोगों को एक अलग सा वीडियो बनाकर बता दूंगा। फिलहाल हम लोग फ्री फायर अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को फ्री फायर को अपडेट करने के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। काफी सारे बंदे अभी सोच रहे हैं कि हमारा जो फ्री फायर है वो अपडेट नहीं हुआ। तो अगर आप लोग अपना फ्री फायर ओपन करोगे तो आप लोग एक 40 MB का अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 40 MB का आप लोग अपडेट कर लेना। और अपडेट करने के बाद शायद से आप लोगों को नेटवर्क कनेक्शन एरर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाए, या फिर द सर्वर विल बी रेडी सून का ऑप्शन भी देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे भी कुछ टाइम पहले सर्वर विल बी रेडी सून का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, लेकिन भाई मैंने 2 से 3 मिनट का वेट किया और मेरा फाइनली जो हमारा गेम है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को भी कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है द सर्वर विल बी रेडी सून का, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो 11 बजे तक फाइनली जो आपका गेम है वो स्मूथली रन करने लगेगा। अभी 10:51 हो रहा है और 10:51 पे मैं अभी अपना जो गेम है वो ओपन कर रहा हूं, ठीक है। वैसे गाइस, इस अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर और भी काफी कुछ चेंजेस होने वाले थे। जैसे कि यार, हमारे गेम के अंदर एक नया कैरेक्टर आने वाला था और सारे कैरेक्टर्स के स्किल के अंदर चेंजेस वगैरह होने वाले थे। तो गाइस काफी कुछ यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर लॉबी वगैरह भी चेंज होने वाला था, ठीक है, लेकिन अभी आप लोग देख पा रहे हो कि लॉबी भी चेंज नहीं हुआ है, ना ही लोडिंग स्क्रीन वगैरह चेंज हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लॉबी का स्क्रीन दिखा देता हूं। अपडेट के बाद कुछ इस टाइप का लॉबी हमारा होने वाला था, लेकिन अभी तक हमारे गेम के अंदर ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। या तो फिर आप लोगों को लोडिंग स्क्रीन का भी चेंजेस नहीं हुआ है। लोडिंग स्क्रीन कुछ इस टाइप का होने वाला था हमारा अपडेट के बाद, OB33 अपडेट के बाद BTS के थीम पे। आप लोगों को बताया BTS का इवेंट हमारे गेम के अंदर आ चुका है, तो BTS के थीम पे हमारा लॉबी और लोडिंग स्क्रीन दोनों होने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि भाई कुछ टाइम के बाद आप लोगों को फिर से एक अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि यार शायद से 20-30 MB का हो सकता है, फिर 40 MB का हो सकता है, ठीक है। तो आज आप लोगों को छोटे मोटे अपडेट्स देखने को मिलते ही रहेंगे, क्योंकि यार अभी गरीना वाले डिवाइड कर चुके हैं। क्योंकि गेम के अंदर सिर्फ एक बार में 300-400 MB का अपडेट नहीं मिल सकता है। वो जो अपडेट है वो प्ले स्टोर को ऊपर का होता था, लेकिन अभी हमें गेम के अंदर ही फ्री फायर को अपडेट करना है, तो एक बार में वो लोग इतना बड़ा बड़ा अपडेट नहीं दे सकते। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को 40 MB, फिर 20 MB, फिर 10 MB इस टाइप का अपडेट, छोटे मोटे अपडेट देखने को मिलेंगे। और अपडेट करने के बाद आप लोगों को गेम के अंदर धीरे धीरे करके सारा कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जस्ट आप लोगों को अगर अपडेट बोला जाएगा तो आप लोगों को 10 MB या फिर 50 MB या फिर 40 MB का अपडेट मांगा जाता है आप लोगों को हमारे गेम के अंदर। तो आप लोगों को सिंपली से अपडेट पर क्लिक करने के बाद अपना जो गेम है वो अपडेट कर लेना है। आप लोगों को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्रोम पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। और गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा जो गुलाब है वो भी गायब हो चुका है, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन अभी आप लोग स्मूथली अपना जो गेम है वो रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये काफी ज्यादा सही है यार। OB33 अपडेट में क्या होता था, हम लोग पूरे दिन भर गेम नहीं खेल पाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे करीना वालों ने बोला था 10 से 11 गेम बंद रहेगा, लेकिन भाई मेरा तो गेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग गेम चल रहा है या फिर नहीं, आप लोग मुझे कमेंट के अंदर जरूर से बताना। और अगर आप लोग इस वीडियो को 11 से 12 बजे के बीच में देख रहे हो तो ऑफकोर्स आपका जो गेम है वो चलेगा, बस आप लोग को फ्री फायर को 40 MB का अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली मैंने आप लोग को बता दिया। और ये जो BTS इवेंट का जो सारा रिवॉर्ड्स है या फिर फ्री का रिवॉर्ड्स है, इसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। 3-4 घंटे के बाद मैं आप लोग को एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट जरूर से कर देना। उस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सारे फ्री रिवॉर्ड्स बता दूंगा BTS इवेंट के, ठीक है। तो बस गाइस, आज के उस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर।